चीज़ ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, बिकॉज मैं मोस्टली प्रॉब्लम कार्ड ही यूज़ करती हूँ, तो कार्ड से सारी हो जाती है। कैशलेस के थ्रू बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स कम हो रहे हैं एंड इट्स वेरी इजी टू मूव आउट। तो छुट्टे नहीं है तो प्लास्टिक मनी काम आ रहा है ये टाइम पे। हमें कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि हमारे पास कार्ड है, कैशलेस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया स्टेप है जी गवर्नमेंट का ये, और ये मोदी जी कर सकते थे और तो कोई कर नहीं सकता था। इतना दिक्कत कोई भी नहीं है, बराबर कस्टमर से पेटीएम यूज कर रहे हैं हम लोग, पैसे बच रहे हैं हमारे, खर्च ज्यादा नहीं हो रहे हैं। नोटबंदी जो कार्य किया सरकार ने बहुत अच्छा किया है, पब्लिक को इससे बहुत फायदा होने वाला है, मेरे ख्याल से फायदा शुरू भी हो चुका है। और जब से ये हमारा पेटीएम ये लगा है तब से कान मतलब हमारा काम ठीक चल रहा है। पेटीएम या जो भी है फ्री चार्ज उसमें हम लोग कर देते, फिलहाल तो मैं अभी पेटीएम चालू कर रहा हूँ। फ्री रिचार्ज या पेटीएम है उससे उसके थ्रू हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। तो करेंसी क्रांति वाला हिंदुस्तान कैशलेस हो गया, हिंदुस्तान कैशलेस भारत के भाग्य विधाता। पीएम की अपील के बाद कितना बदल गया है यंगिस्तान, यानी कि आम आदमी, एक यंग आदमी, एक युवा। कैशलेस हिंदुस्तान का ऑनलाइन यंगिस्तान लाइव हम आपको दिखाने वाले हैं। देश भर के युवाओं को हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, देश भर के युवाओं की आवाज लाइव, रंग दे नोटबंदी। आज हम आपको देश के कई शहरों के युवाओं के साथ जोड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे ऑनलाइन हो रहे हैं। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज जब देश कैशलेस हो रहा है तो उन्हें कितनी सुविधा हो रही है और कितनी असुविधा। पीएम मोदी ने देश के युवाओं से अपील की थी कि वो मोबाइल बैंकिंग से जुड़े, मोबाइल वॉलेट का सहारा ले। भारत तेजी से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है और इसमें सबसे ज्यादा योगदान यंग इंडिया का है। ऐसे में पीएम की अपील से कितना युवा खुद को जोड़ पाए हैं, यही जानने के लिए आज हम देश के तमाम कॉलेजेस में चलेंगे, तमाम यूनिवर्सिटीज में चलेंगे, जहां जी मीडिया संवाददाता मौजूद है वहां पर यंग युवा लड़के लड़कियां मौजूद हैं, उनका पूरा ग्रुप मौजूद है। नोएडा से पवन नारा हमारे साथ है, मुंबई से नित्यानंद शर्मा, कोटा से हिमांशु हैं, चंडीगढ़ आपको नितिका से बात करवाएंगे, नितिका माहेश्वरी हैं, रांची से मनीष मेहता होंगे जो कि छात्रों के साथ मौजूद है। पवन नारा, सबसे पहले आपका रुख, कहां पर मौजूद हैं और यहां यंगिस्तान क्या कह रहा है, क्या वो रोजमर्रा में जो पॉकेट मनी उसे मिल रही है आने जाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल वॉलेट का, पेटीएम का या जो बाकी मनी है उसका? जी सचिन, बिल्कुल आपको ये समझना होगा कि भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें 50% से ज़्यादा वो लोग हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है, यानी ये वो यंगिस्तान है जिसके ऊपर इस कैशलेस क्रांति को सक्सेसफुल करने का जिम्मा है, क्योंकि ये जनता या कहें युवा यंग हैं, टेक सेवी हैं और स्मार्टफोन यूज़र हैं, और अगर ये शिफ्ट होते हैं तो एक बदलाव की शुरुआत होगी, कंधे इनके कंधों पर वो जिम्मेदारी है। इन्हीं से पूछ लेते हैं, कैशलेस होना सबके मन में शंका थी कि भारत जैसे बड़े देश में मुश्किल है, लेकिन एक युवा के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल है और कौन कौन सी जगहों पर आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? कैशलेस बहुत आसान है और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ कैशलेस हो गई है। पेटीएम के थ्रू हम जनरल स्टोर्स पे और कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़ भी ले सकते हैं। आप किस तरह से लगता है कि एक सूत्रधार हो सकते हैं इस कैशलेस क्रांति के? मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि हम यंगस्टर्स को सारी टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, पेटीएम यूज़ करना हो या क्रेडिट कार्ड यूज़ करना हो। अब हर जगह सबने क्रेडिट कार्ड के काउंटर्स लगा दिए हैं और पेटीएम का सब पे है, तो बस उसी में। हमारे साथ कुछ फीमेल्स भी हैं, मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कैश के बिना आपका काम हो पाता है या थोड़ा बहुत दिक्कत आती है? मेरा काम हो पाता है बिकॉज मैं तो ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत बिलीव करती हूँ एंड मोस्ट ऑफ द साइट्स डोंट ऑफर कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शंस, तो मैं ऑनलाइन पेमेंट्स में ज़्यादा बिलीव करती हूँ एंड पेटीएम एंड ये सब एप्स तो ज़्यादा बेटर है टू मेक यू पे। मैम एक यंगस्टर किस तरह से रोल अदा कर सकता है कैश पेमेंट और कैशलेस पेमेंट के बनस्पत? देखिए, ये जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, इसे सबको पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। जो भी डिफ़िकल्टीज तो हैं ही, बट उसे ओवरकम करके एक इनिशिएटिव लिया है अगर किसी ने, तो हम इसे सपोर्ट करेंगे।
तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नेटवर्क कनेक्टिविटी भी कैशलेस होने में एक अहम भूमिका निभाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया यहाँ पर पवन, क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है अगर उसे साथ लेकर के नहीं चला जाएगा, अगर यहाँ पर जो सिग्नल्स है वो अच्छे नहीं होंगे तो कम से कम डिजिटलाइजेशन जिसे हम कहते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। मुंबई का रुख करते हैं, नित्यानंद हमारे साथ मौजूद है। नित्यानंद, मुंबई का युवा, मुंबई का यूथ, मुंबई के स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मुंबई के जो युवा हैं अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ तमाम कॉलेज के स्टूडेंट हैं। सीधा मुनि से जानते हैं कि आखिरकार वो कैशलेस इकोनॉमी में किस तरीके से अपना सहयोग कर सकते हैं, और हम आपसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप लोग क्या डिजिटल पेमेंट करने की शुरुआत आप लोगों ने कर दी है? जी हाँ, हमने डिजिटल पेमेंट की शुरुआत कर दी है। इससे हमें बहुत से फायदे हुए हैं, क्योंकि हमारे घर वाले जो हमें जो फीस देते थे वो टाइम पे हमारे पेरेंट्स जो हमें बहुत करते थे कि हम लोग डरते थे कि इतनी अमाउंट इन्हें देना सही नहीं है आज के टाइम पे, बट हमें इतने वो हमारे पेरेंट्स बहुत खुश है कि हमें कोई टेंशन नहीं रहती, वो हमें डेबिट कार्ड अपना दे देते हैं या हमारे को ई पेमेंट के थ्रू या फ्री रिचार्ज के थ्रू हमारे अमाउंट हमारी जो पेमेंट कर रहे हैं। किस तरीके से आप डिजिटल पेमेंट का उपयोग कर रहे हैं? सर यहाँ पर हम अगर बताएंगे तो हमें बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि पहले से बहुत ही बेटर हो गया है कि हम पहले अगर पैसे लेके भी जाते तो हमें चोरी करने का या कुछ ऐसा हो जाता था, तो हमें वो डर अब नहीं सताता है। पहले आपका कितना खर्चा था स्टडी का, अब कितना खर्चा और किस तरीके से आप पेमेंट कर रही हो? पहले एक्चुअली बहुत खर्चा हो जाता था, कम लिमिट टू लिमिट 3000 तक हमारा खर्चा था, बहुत खर्चा हो जाता था हम लोग के पढ़ाई में। लेकिन आज जब भी से ये क्रेडिट कार्ड वगैरह आया है तब से ये खर्चा कम होने लगा है। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगी पेटीएम बेस्ट। सर पेटीएम की वजह से कैश कैरी करना भी नहीं पड़ता है, सिर्फ पेटीएम पे स्कैनिंग कर लो, अमाउंट पे कर लो, खत्म। कैश कैरी नहीं करना पड़ता हर बार और छुट्टे के प्रॉब्लम। बिल्कुल, तो अगर हम बात करें तो ये जो युवा है इन लोगों ने डिजिटल पेमेंट का उपयोग करने की शुरुआत कर दी है। और साथ ही साथ आपको बता दें ये लोग जो आसपास के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं जिन्हें पता नहीं किस तरीके से डिजिटल पेमेंट होता है, ये युवा वर्ग उन्हें भी सिखाते हैं। जी नित्यानंद, रांची भी चलेंगे, कोटा भी चलेंगे, वहां के स्टूडेंट्स क्या, और सिर्फ स्टूडेंट्स क्योंकि स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा खर्चा होता नहीं है, वो पहले से ही अप टू डेट रहते हैं, इस तरह के मोड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या वो इन चीजों को आगे भी दे पा रहे हैं, आगे भी हेल्प कर पा रहे हैं किसी की,